हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स? आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की, जो कि हम टू डू प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पहली वाली वीडियो में हमने और प्रोजेक्ट का कुछ एक पार्ट डिस्कस कर लिया था, प्रोजेक्ट जो हमारा नया रिकॉर्ड था वो करके देख लिया था और स्टोर भी करके देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम सारे सारे रिकॉर्ड गेट कर सकते हैं, कैसे एक सिंगल रिकॉर्ड गेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले हमारा जो टू डूज कंट्रोलर का इंडेक्स है इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे जितने भी टू डूज हैं, मैं उनको यहाँ पर फैच कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं टू डू और यहाँ पे लिखेंगे ऑल। ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ से हम पास कर देंगे कॉम्पैक्ट में इसको, और यहाँ पे हम पास करेंगे सिर्फ टू डूज। ठीक है, और ये टू डूज हमें मिल जाएगा हमारे इंडेक्स वाले फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से सेव करेंगे, ये हमारे इंडेक्स वाली फाइल है। और यहाँ पर जो हम ये डाटा रख रहे हैं, इसकी जगह हम सिंगल डाटा एक रखेंगे। ठीक है, और सेव करेंगे। यहाँ से हमारी जो फाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट था टू डू प्रोजेक्ट के नाम से, और यहाँ पे टू डूज इसका राउट है, तो इसके ऊपर चले जाते हैं। तो हमारे पास अभी सिंगल आइटम है, लेकिन हमारे डाटाबेस के अंदर हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डाटा डाला था, या मेरे ख्याल से 3 या 4 हमारे रिकॉर्ड होने चाहिए। तो यहाँ से एक बार एक उनको चेक कर लेते हैं। टू डूज के अंदर जाएंगे, डाटा चेक करेंगे, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 आइटम्स आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स वाली फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे और इसको रख देंगे फॉर ईच लूप के अंदर। ठीक है, जो कि यहाँ पर हम यूज करेंगे ब्लेड का सिंटेक्स एट द रेट, और उसके बाद में डायरेक्टली यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल टू डूज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हम यहाँ से भेज रहे हैं टू डू कंट्रोलर के इंडेक्स में कॉम्पैक्ट करके, तो ये हमें यहाँ पर एज ए वेरिएबल मिलता है। ठीक है, इसको हम एज यूज करेंगे, वेरिएबल टू डू मतलब सिंगल टू डू, और इसमें लिखेंगे एट द रेट एंड फॉर ईच, और यहाँ से सेव करेंगे। और इसके बाद में इसको मैं एक बार यहीं से रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से फर्स्ट छोटा कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास टोटल 4 आइटम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस फर्स्ट आइटम की जगह हमें चाहिए उसका नेम। तो नेम की जगह हमें क्या लिखा हुआ हमने कॉलम में, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस टू डू का एक सब्जेक्ट सिंगल हम गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एको करूँ वेरिएबल टू डू, और इसका प्रॉपर्टी हमारी रहेगी सब्जेक्ट। ठीक है, सेव करेंगे इसको और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास वो सारे सारे जो टू डूज हैं वो आ रहे हैं, मतलब जो सब्जेक्ट है उनके वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, हमारे सारे रिकॉर्ड हमें मिल गए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो यहाँ पर मैं इसको हाफ डन की जगह डन कर देता हूँ। और जैसे ही सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिट करने के रिकॉर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एडिट रिकॉर्ड है उसके लिए हमें राउट क्रिएट करना होगा, और एडिट करेंगे हम थ्रू दी आईडी। ठीक है, तो उसकी जो आईडी होगी उसके थ्रू हम एडिट करेंगे, और एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, उसके डाटा को फैच करना होगा बाय द आईडी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गेट मेथड बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा राउट कोलन कोलन गेट, और यहाँ इसके अंदर यूआरआई पास कर देंगे, जैसे कि टू डूज स्लैश, यहाँ पे हम पास कर देंगे आईडी। ठीक है, तो राउट के अंदर हमें आईडी पास करनी पड़ेगी, और स्लैश एडिट। ठीक है, और यहाँ से हम लिखेंगे टू डू कंट्रोलर कंट्रोलर एट द रेट एडिट। ठीक है, ये मेथड हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड को हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जाते हैं हमारे टू डू कंट्रोलर के अंदर, पब्लिक फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एडिट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम वेरिएबल आईडी। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, रिटर्न करेंगे वेरिएबल आईडी को। ठीक है, सेव करेंगे इसको। अभी के लिए हमारा इतना ही काम है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स मेथड है इसके अंदर हमें कोई एडिट बटन भी चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बटन, और बटन की जगह हम ए लिंक ले लेते हैं, ए कोलन लिंक, ए जट लिंक। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, हमारा वो जो मेथड है जो हमने राउट दिया वो हम पास करेंगे टू डू स्लैश, इसके बाद में हमें आईडी पास करनी है यहाँ पे, तो हम आईडी को एको कर लेते हैं। आईडी हमें पता है टू डूज के अंदर, जो टू डू है हमारा सिंगल उसके अंदर एक आईडी हमें मिलेगी, और स्लैश एडिट। ठीक है, और इसको लिख देते हैं एडिट, सेव करेंगे, यहाँ पे क्लास पास कर देते हैं।
और इसको लिख देते हैं फ्लोट राइट, एंड यहां पे लिख देते हैं btn btn, वार्निंग कर देते हैं इसको, ठीक है। सेव करेंगे इसको, रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे हमें एडिट वाला बटन मिल रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वो आईडी मिल रही है जो कि हम यहां से सेंड कर रहे हैं, ठीक है। एडिट इस पे करेंगे तो हमें 3 नंबर आईडी मिल रही है, इस पे एडिट करेंगे तो हमें 4 नंबर आईडी मिल रही है, और इस पे एडिट करेंगे तो 2 नंबर आईडी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारी सारी आईडी मिल रही है, और आईडी के बिहाफ पे हम अपना डाटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फेच करेंगे, जैसे कि हमें वेरिएबल टू डू सिंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, टू डू मॉडल यूज करेंगे और इसमें यूज करेंगे फाइंड मेथड का, ठीक है। और यहां पे हम पास कर देंगे आईडी, और यहां से अगर मैं इसको रिटर्न करता हूं डायरेक्ट वेरिएबल टू डू को, तो मुझे वो सिंगल टू डू शो करेगा जो कि यहां से जब हम एडिट करते हैं तो हमें दिखाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें पूरा पूरा डाटा वो शो कर रहा है, ठीक है। गो टू जिम, और यहां पर लारावल वाला आ गया, और लास्ट हमारा पीएचपी ओप्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाटा फेच कर सकते हैं, लेकिन हमें दिखाना है एज ए एक फॉर्म की तरह इसको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से टू डू को डायरेक्ट रिटर्न करने की जगह हम रिटर्न करेंगे व्यू, और व्यू में हम एक फाइल बनाएंगे टू डूज के नाम से डॉट एडिट, टू डूज फोल्डर के अंदर डॉट एडिट, और इसके अंदर कॉम्पैक्ट में हम पास कर देंगे वेरिएबल टू डू, ठीक है, जो कि हमें सिंगुलर एज ए स्ट्रिंग हमें पास करना होता है। और इस एडिट वाले जो ब्लेड डॉट पी एच पी है इसके अंदर हमें ये टू डू मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको जो क्रिएट वाला मेथड है इसको मैं कॉपी करूंगा यहां से, और यहां पर पेस्ट कर दूंगा, और इसका नाम जो रख देंगे वो रखेंगे हम एडिट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है, क्योंकि जो एडिट वाला सेक्शन है उतने ही चीजें हमें वहां चाहिए। तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट, इसके अंदर जो चीज है इसके अंदर हम लिख देंगे वैल्यू, और यहां पे हम पास कर देंगे वेरिएबल टू डू की सब्जेक्ट, ठीक है। सेव करेंगे इसको, और यहां पर कर देंगे अपडेट टू डू, ठीक है। सेव करेंगे, इस राउट की जगह हमें दूसरा राउट यूज करना होगा, तो इसलिए मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, एडिट पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा एडिट वाला जो ब्लेड डॉट पी एच पी है वो यहाँ पे रन हो जाता है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। लर्न लारावेल और गो टू जिम, ये सब हमें बाय द हमारे एडिट वाले मेथड के थ्रू मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये डाटा आ गया है, लेकिन अभी हमें सेव करना है। तो कैसे हम सेव करेंगे, इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा राउट क्रिएट करना होगा, जिसको हम लिखेंगे राउट कोलन कोलन गेट, सॉरी पुट, पुट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे अपडेट के लिए हम, स्लैश यहाँ पे हम लिखेंगे टू डूज स्लैश आईडी और स्लैश यहाँ पे एडिट, यही राउट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टू डू कंट्रोलर एट द रेट अपडेट मेथड, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ पे मैं एक नाम भी पास कर देता हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसको लिख देता हूँ टू डू डॉट अपडेट, ठीक है। सेव करते हैं इसको, यहाँ पर हमारा क्या है कि जो अब सबसे पहले हमें अपडेट मेथड बनाना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे पब्लिक फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, और यहाँ पे हमारी आएगी रिक्वेस्ट, क्योंकि हम जो डाटा भेज रहे हैं वो पुट मेथड के थ्रू आएगा, तो हमें रिक्वेस्ट के थ्रू उसको गेट करना होगा, वेरिएबल रिक्वेस्ट कोमा, यहाँ पे हमें एक दूसरी आईडी चाहिए होगी जिसको जिसका डाटा हमें चेंज करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अपडेट में जो हम डाटा अपडेट कर रहे हैं वो सिंगुलर है, तो उसकी आईडी हमें फेच करनी होगी, क्योंकि वो पहले ही हमारा रिकॉर्ड के अंदर एड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट के अंदर सिर्फ हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम आईडी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल टू डू इक्वल टू टू डू कोलन फाइंड, और यहां पे हम लिखेंगे वेरिएबल आईडी, और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे वेरिएबल टू डू का सब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा वेरिएबल रिक्वेस्ट के सब्जेक्ट के, ठीक है, और वेरिएबल टू डू सेव हो जाएगा, और इसके बाद में हम रिटर्न कर देंगे यहां से। यहां पे मैं लिखूंगा राउट, रिटर्न टू राउट, यहां पे मैं कर दूंगा टू डू डॉट इंडेक्स, ठीक है, टू डू डॉट इंडेक्स कर देता हूं मैं इसको। सेव करते हैं यहां पे, और यहां पर जो हमारा मेन जो राउट है इसके अंदर मैं नाम पास कर दूंगा नेम, और इसको मैं लिखूंगा टू डू डॉट इंडेक्स, ठीक है। सेव करते हैं इसको, और यहां से जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, एडिट करते हैं, यहां से अपडेट करेंगे, ओके। यहां पर हमें एक एरर मिल रहा है, पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड टू दिस राउट, क्योंकि हमने वहां पे पास किया है पुट,
ठीक है, तो ये पुट राउट यहाँ पर हमें देना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, मैं जो हमारी सीरीज है उसके अंदर मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम एक और चीज पास करेंगे जो कि है हमारी मेथड डायरेक्टिव, और इसके अंदर हम पास कर देंगे वो मेथड जो हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमें वो सारी चीजें पास करनी होगी, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं राउट टू डू स्लैश, यहाँ पर हम लिखेंगे एको करेंगे हमारी आईडी को, तो यहाँ पर वेरिएबल टू डू की आईडी, ठीक है, और यहाँ पर स्लैश एडिट, ठीक है, सेव करेंगे इसको, और यहाँ पर हम बैक करेंगे एक बार के लिए, रिफ्रेश करेंगे और अपडेट करेंगे, तो हमारा जो राउट है, ओके, हमारा राउट आ गया, रिटर्न हमने नहीं किया था, तो यहाँ पर हमारा जो राउट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, इसको करेंगे रीडायरेक्ट, और यहाँ पर रीडायरेक्ट में या तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं टू राउट, तो हमने यहाँ पे कॉपी किया था, सेव करते हैं इसको, और यहाँ से हम बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अपडेट करेंगे, तो हमारा मेन राउट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको एडिट करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ लारावल टू डू प्रोजेक्ट पार्ट टू, ठीक है, सेव करते हैं, अपडेट करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, लारावेल, और अपडेट करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा अपडेट हो जाएगा और हमारा मेन पेज भी आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है रीडायरेक्ट टू राउट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, काफी हेल्पफुल है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं अपडेट करने के लिए। तो एडिट और अपडेट दोनों सेक्शन हमारे हो गए हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ डन, ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं डन, ठीक है। अब बात आती है सिंगल रिकॉर्ड फैच करने की, ठीक है। तो सिंगल रिकॉर्ड फैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और फाइल बनानी होगी जिसको हम लिखेंगे फाइल, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है, और जो इंडेक्स वाला डाटा है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करेंगे इसको और सिंगल वाले के अंदर रख देंगे। यहाँ पर हमें फॉर इच लूप की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फॉर इच लूप को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट सेंड करेंगे हमारे डाटा को, ओके, यहाँ पर हमारा जो डाटा है यहाँ पे हम सिर्फ टू डू ही भेजेंगे, और यहाँ पे एडिट और डिलीट वाला बटन भी हम यहाँ पे रखेंगे, ताकि वो हम वहां से भी इसको एडिट या डिलीट कर सके, ठीक है। तो यहाँ से सेव सेव कर देंगे इसको, यहाँ पे हमें मेथड बनाना होगा गेट वाला, तो यहाँ पर ये हमारा काम हो गया था, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा रह जाएगा, ये हो गया हमारा क्रिएट एंड स्टोर, और ये हो गया मेरा एडिट एंड अपडेट, और इसके बाद में हमारा हो जाएगा सिंगल डाटा सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, रिकॉर्ड शो करवाना है, तो हम यूज करेंगे गेट मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लैश टू डू स्लैश, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको हमारा जो राउट है, जो हम आईडी देखना चाहते हैं वो आईडी, और मैं इसको लिख दूंगा सिंगल, ठीक है, या सिंगल रहने भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हम लिखेंगे हमारा कंट्रोलर टू डू कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लिखेंगे एट द रेट, लिखने के बाद में हम वो मेथड यूज करेंगे जिसको हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शो है, शो मेथड का यूज करेंगे, आप कोई भी मेथड लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप रिसोर्सेज कंट्रोलर यूज करते हैं तो ये सारे मेथड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक फंक्शन शो, यहाँ पे हमारी आईडी आएगी, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू डू को फाइंड करेंगे, इक्वल टू डू मॉडल के अंदर हमारा मेथड है जो फाइंड, इसको हम यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे आईडी, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे व्यू को, व्यू मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, फंक्शन ग्लोबल जो हेल्पर है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टू डूज के अंदर सिंगल वाला मेथड है, इसको सिंगल वाली जो फाइल है उसको शो करना है, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट में हम यूज करेंगे टू डू, ठीक है, और यहाँ से इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे हम एक व्यू का बटन लगाएंगे जिससे कि हम डायरेक्ट उस व्यू पे चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो हमारा इंडेक्स वाला मेथड है इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू, ठीक है, और इसको मैं सक्सेस कर देता हूँ, सक्सेस, और इसको यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज रखते हैं, तो यहाँ पे सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास व्यू बटन है, जैसे व्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ से किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो वो सिंगल रिकॉर्ड हमें शो करेगा, ठीक है। और सिंगल रिकॉर्ड के अंदर व्यू वाला बटन हम नहीं रखेंगे, एडिट और डिलीट रखेंगे ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसके बाद में हम एक और में यूज करेंगे, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको मैं रखूंगा डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिलीट, लेकिन इसके लिए हमें मेथड को क्या करना होता है, यहाँ पे हमें फॉर्म वगैरह बनाने होते हैं ताकि उस फॉर्म के थ्रू ही हम इस डाटा को भेज सके, क्योंकि वहां पर आपका जो मेथड है वो डिलीट एचटीटीपी वर्ब जाती है, तो उसके लिए आपको फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बार के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पर इसका राउट मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं डिलीट की जगह डेंजर कर देते हैं, और सेव करते हैं इसको। और यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, मेन पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डिलीट बटन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे सारे जो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिंगल वाली जो चीज़ थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मैं इसको डन कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारी डिलीट वाली की बात आती है कि डिलीट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर डिलीट सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। सेव करेंगे इसको। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बनाना होगा एक राउट जो कि होगा डिलीट वर्ब का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउट कोलन कोलन डिलीट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा वो URL। तो यहाँ पे मेरा रहेगा टू डूज स्लैश, यहाँ पे मैं पास करूंगा अपना ID जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पर मैं लास्ट में भी डिलीट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू डू कंट्रोलर @destroy, ठीक है। डिस्ट्रॉय या डिलीट भी आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपके रिसोर्सेज कंट्रोलर के अंदर बनता है वो आपका डिस्ट्रॉय मेथड रहता है, ताकि आपको बाद में आसानी हो, जब भी आप रिसोर्सेज कंट्रोलर बनाए तो आपको पता लगे कि डिस्ट्रॉय वाला जो हम यूज करते हैं वो मेनली हमारा राउट रहता है जो कि हम यूज करते हैं डिलीट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे टू डू कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल ID, ठीक है। और यहां से क्या करेंगे, हम करेंगे वेरिएबल टू डू को फाइंड करेंगे, इक्वल टू टू डू फाइंड कॉलन कॉलन फाइंड, और यहां से हम क्या करेंगे वेरिएबल आईडी को यहां पास कर देंगे, और यहां पे वेरिएबल टू डू को डिलीट मेथड के थ्रू डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहां पे डिलीट मेथड मॉडल के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं, और यहां से हम रिटर्न कर देंगे रिडायरेक्ट करेंगे हम राउट के ऊपर, जो हमारा मेन राउट है उसके ऊपर हम यहां पे रिडायरेक्ट करेंगे जो कि है टू डू डॉट इंडेक्स। सेव करेंगे इसको, बस इतना ही काम है, लेकिन ये ओनली कंट्रोलर साइड है। डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग शायद सही नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग ठीक नहीं थी, तो यहां पर इसको चेंज कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इस डाटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा index.php है इसके अंदर हम जाएंगे, और इस डिलीट मेथड की जगह हम इसको कट करेंगे, यहां पे हम फॉर्म बनाएंगे, और यहां पर हम इसको एज ए बटन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बटन, और यहां पर मैं पास कर दूंगा इसको डिलीट, और ये हो जाएगा मेरा टाइप, हो जाएगा इसका टाइप सबमिट, और जो क्लास वगैरह है मैं इसको यही यूज कर लेता हूँ Ctrl+X, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, सेव करते हैं। एक्शन हमारा रहेगा जो कि सेम यही वाला है, लेकिन इसके एडिट की जगह हम यूज करेंगे डिलीट, और कॉमा यहाँ पे मेथड हम पास करेंगे पोस्ट, ठीक है। और इसके लिए हमें CSRF टोकन की जरूरत पड़ेगी, प्लस हमें मेथड डायरेक्टिव का भी यूज करना होगा, क्योंकि हम जो वर्ब यूज करें वो हमारी है डिलीट, ठीक है। और यहां पे सेव करेंगे, यहां से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा ये वाला जैसे मैं इसको डिलीट पे क्लिक करूंगा हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा, दूसरे पे डिलीट पे क्लिक करते हैं डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारा डाटा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं यहां से, और यहाँ जो हमारा single.blade.php है इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पर भी इसको रख देंगे, सेव करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी डिलीट बटन हमें मिल रहा है, जैसे डिलीट करेंगे ये मेन पेज पे आ जाएगा, ठीक है।
और यहां पर एक बटन और हमें रखना होगा जो कि रहेगा क्रिएट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे हम लिखते हैं हमारा लिंक, ठीक है, और इसको हम यहां से भेजेंगे टू डूज स्लैश टू डूज स्लैश क्रिएट, ठीक है, एड न्यू टू डू, ठीक है, सेव करेंगे इसको और यहां से रिफ्रेश करेंगे तो ओके, यहां पर हमारा टू डू के अंदर नहीं है, हमने शायद सिंगल के अंदर रख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां से क्या करेंगे, इसमें पहले क्लास पास कर देते हैं, क्लास बीटीएन बीटीएन प्राइमरी, ठीक है, सेव करते हैं इसको, कॉपी करते हैं यहां से, और हमारा इंडेक्स है इसके अंदर हम इसको यहां रख देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर एड न्यू टू डू पर जाएंगे तो हमारा टू डू वाले सेक्शन पे हम चले जाएंगे, यहां पे न्यू टू डू, ठीक है, और यहां से सेव करेंगे तो हमारा न्यू टू डू सेव हो जाएगा, और यहां पर क्रिएट वाले के अंदर भी हम एक बटन रख देते हैं, कॉपी करेंगे इसको, और यहां पर हमारे इस वाले फॉर्म के अंदर जाएंगे क्रिएट वाले के अंदर, और यहां पर मैं इसको लिख देता हूं ऑल टू डूज, ऑल टू डू, ठीक है, सेव करेंगे इसको, और यहां से रिफ्रेश करेंगे तो यहां से जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो हम मेन पेज पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, डिलीट वाले भी हमने कर लिया है, तो यहां पे लगभग हमारा सारा चीजें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमारी चीजें रहती है कि हम एक्स्ट्रा फंक्शन एक्स्ट्रा कुछ चीजें करें, कि जैसे कि मान लो क्लोज, यहां पे हम करेंगे इसको, मैं कर देता हूं, ये हमारा रहेगा एट, इसको मैं लिखूंगा, ये हमारा रहेगा क्लोज ए टू डू, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्टेटस है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, ऐसे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। हम इसको यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, जैसे कि हम यहां पर जो सिंगल वाला है या हमारे जो इंडेक्स वाला मेथड है, यहां पर हम एक बटन बना सकते हैं जिसके थ्रू हम इसको क्लोज या ओपन, ओपन तो है ही हमारा, क्लोज कर सकते हैं कि हमने वो काम कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही ये वो वाली चीज क्लोज हो जाती है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो इसका बैकग्राउंड है उसका थोड़ा सा डिसेबल सा कर देंगे ताकि ये पता लगे कि ये क्लोज हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद में ये वाले बटन तो वैसे के वैसे रहेंगे, व्यू वगैरह सारे के सारी चीजें काम करेंगे, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम राउट बनाएंगे हम, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्लोज टू डू स्टेटस, ठीक है, तो यहां पे हम बनाएंगे राउट कोलन कोलन, यहां पर इसमें लिखेंगे हम पुट, और यहां पे हम क्या करेंगे स्लैश टू डू स्लैश, इसके बाद में हमें पास करनी होगी वो आईडी जिसको हम क्लोज करना चाहते हैं, और इसके बाद में मैं इसको लिख देता हूं क्लोज, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन आपका नेम से पता लगना चाहिए कि आपका राउट किस प्रकार का है और क्या करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डू कंट्रोलर, एट द रेट लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखेंगे क्लोज स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख के यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं टू डू के अंदर। तो मेनली आपको रिसोर्सेज में इतनी ही चीजें मिलेंगी, बाकी अगर एक्स्ट्रा आप चीजें यूज करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अलग मेथड बनाने होंगे, ठीक है। क्लोज स्टेटस, इसके अंदर हमारी आईडी आएगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, टू डू को फाइंड करना है, ठीक है, टू डू कोलन कोलन फाइंड, और यहाँ पे हम करेंगे वेरिएबल आईडी पास करेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल टू डू का जो स्टेटस है इसको इक्वल टू कर देंगे क्लोज, ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल टू डू को सेव कर देंगे, ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रीडायरेक्ट, ठीक है, और रीडायरेक्ट टू राउट, राउट हमें पता है कौन से पे जाना है, अपडेट इंडेक्स वाले पे सेव करेंगे, तो ये काम हो जाएगा हमारा स्टेटस को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो राउट है इसको हम यूज करेंगे कोई भी स्टेटस क्लोज करने के लिए, तो यहां पर हमारा जो मेथड है हमने यहां पे यूज किया है, ये तो सिंगल वाला हो गया, यहां पर हम जाते हैं मेन वाले पे, और यहां पे मैं लिखता हूं इसको, एक फॉर्म हमें यहां पे बनाना पड़ेगा, कॉपी करूंगा मैं इसको फॉर्म को, यहां पर लिखेंगे डिलीट की जगह क्लोज, यहां पे मेथड हमारा पोस्ट ही रहेगा, ओके, यहां पे कोमा आ रहा है शायद, ठीक है, तो यहां पे मेथड हमारा क्लोज ही रहेगा, सॉरी मेथड हमारा पोस्ट रहेगा, राउट हमारा क्लोज वाला रहेगा, सी एस आर एफ टोकन हमें देना पड़ेगा,
यहाँ पे हमें मेथड यूज करना है पुट, ठीक है, शायद हमने पुट यूज किया, एक बार चेक कर लेते हैं, पुट यूज किया, तो यहाँ पर हम मेथड जो यूज करें वो रहेगा हमारा पुट, ओके पीयूटी, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ क्लोज, ठीक है, और यहाँ पर इसको डेंजर की जगह हम दे देते हैं इन्फो, ठीक है, सेव करते हैं, और जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्लोज वाला बटन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं, लेकिन क्लोज से पहले हम क्या करेंगे, जो मेन इंडेक्स वाली जो फाइल है इसके अंदर चेक करेंगे कि अगर हमारा जो स्टेटस वो इक्वल टू क्लोज है, उस टू डू का अगर स्टेटस इज इक्वल टू क्लोज है तो उसमें हमें क्या करना है, डिसेबल पास कर देना है। वैसे एक बार सिंगल इसमें पास करके देख लेते हैं डिसेबल वाली चीज हमारी काम करती है या नहीं, तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ओके, यहाँ थोड़ा सा डल हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड इसका नहीं हो रहा है, तो इसमें देखते हैं बीजी ग्रे या डार्क काम करता है या नहीं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ओके सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक कंडीशन बेस रख सकते हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे इसको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे रख लेता हूँ, और यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे इफ डायरेक्टिव, और यहाँ पे हम पास करेंगे, पास क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वेरिएबल स्टेटस अगर इज इक्वल टू वेरिएबल जो क्लोज है, और यहाँ पर एट द रेट एंड डायरेक्टिव हमें यूज करनी पड़ेगी एंड इफ, और इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे, सेव, और अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारा कोई स्टेटस क्लोज नहीं है, लेकिन जैसे ही हम क्लोज पे करते हैं तो ये हमारा जो इसका बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट को हम कर देंगे वाइट, ठीक है, सेव करेंगे इसको और रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा सही से अभी काम कर रहा है, ठीक है, कि अभी हमें पता लग रहा है कि ये वाली चीज क्लोज हो गई है, ठीक है, और ये वाली अभी ओपन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बटन अभी भी शो कर रहा है, जैसे ये क्लोज होता है तो मैं इस बटन को भी हटा देना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेम डायरेक्टिव को हमें यूज करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट द रेट इफ, और इसमें हम चेक करेंगे वेरिएबल टू डू के स्टेटस को, और इसको मैं इक्वल टू चेक करूंगा, और यहाँ पे रहेगा ये क्लोज, अगर ये इक्वल टू क्लोज है तो यहाँ पर हमारा शो करेगा ये एंड इफ, ठीक है, सेव करेंगे, और यहाँ पर इसको नॉट इक्वल टू कर देते हैं, ताकि अगर ये इक्वल टू नहीं है तो ये वाली हमें शो करे, ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करूंगा, तो जहां पर ये इक्वल टू होगा वहां पर ये वाला बटन शो नहीं होगा, बाकी सभी पर ये शो होगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल है। अगर इसमें भी कुछ और चीजें करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो हम ट्राई करके देख सकते हैं, बाकी नॉर्मल कार्ड एप्लीकेशन के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है जिसमें हमने यहाँ पर ये सब चीजें जानी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मैं इसके तीन पार्ट रखूंगा, यहाँ पर अगर मैं ये वीडियो और ज्यादा लंबी खींचूंगा तो ये एक डेढ़ घंटे की हो जाएगी, वहां पर हम इसको थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करेंगे, जहां पर ये हमारा कंट्रोलर में काफी ज्यादा, जैसे कि हम टू डू फाइंड कर रहे हैं हर बार, ठीक है, तो इसको हम कम कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हमें ये सिंपल ये वाली जो चीजें हैं इंडेक्स, इनको हमें छोटा करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो इन तरह की चीजें जो हमें जो रिफैक्टर है कोड की रिफैक्टरिंग करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे कि हमें ये आसानी से समझ आ जाए। तो ये हमारा पार्ट नंबर टू कम्प्लीट हो गया है, जहां पर हमने लगभग ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, और इसको भी हम कर देते हैं डन, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफैक्टरिंग के बारे में, जो कि काफी हेल्पफुल होती है जब हम कोड लिखते हैं और हम उसको रिफैक्टर करके देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।